गुजरात के अहमदाबाद में कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी, मानहानि केस में राहुल की कोर्ट में पेशी। सुप्रीम कोर्ट का विधानसभा स्पीकर रमेश कुमार को आदेश, मंगलवार तक मामले में कोई फैसला न ले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 16 जुलाई को सुनवाई तक स्पीकर विधानसभा में यथास्थिति बरकरार रखे, विधायकों के इस्तीफे को अयोग्य भी करार नहीं दिया जा सकता। सुनवाई की शुरुआत में स्पीकर की तरफ से कोर्ट को बतौर सबूत विधायकों का वीडियो सौंपा गया, दलील दी गई, बागी विधायकों ने बिना मिले ही इस्तीफा सौंपा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बागी विधायकों के वकील मुकुल रोहतगी का आरोप, स्पीकर रमेश कुमार गठबंधन सरकार का पक्ष ले रहे हैं। रोहतगी ने कहा स्पीकर ने विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लेने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोर्ट के फैसले को चुनौती देने पर स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर रमेश कुमार को लगाई फटकार, पूछा क्या स्पीकर कोर्ट के अधिकारों को चुनौती दे रहे हैं, क्या हमें ये कह रहे हैं कि कोर्ट इससे दूर रहे। कोर्ट की फटकार पर स्पीकर के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिया जवाब, कहा इस्तीफा देने के पीछे विधायकों का इरादा कुछ अलग है, ये अयोग्यता से बचना चाहते हैं। कोर्ट की फटकार पर स्पीकर के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिया जवाब, कहा इस्तीफा देने के पीछे विधायकों का इरादा कुछ अलग है, ये अयोग्यता से बचना चाहते हैं। इस्तीफा देने वाले 5 से 3 विधायकों को आज शाम मिलेंगे स्पीकर रमेश कुमार, इन विधायकों ने सभी प्रारूप में इस्तीफा दिया था। कर्नाटक में विधायकों का मंदिर में दर्शन करने का सिलसिला जारी, बीजेपी नेता सीटी रवि और जेडीएस नेता एचडी रवन्ना ने मैसूर में चामुंडेश्वरी माता के दर्शन किए। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यन स्वामी ने बीजेपी के बढ़ते जनाधार से लोकतंत्र को बताया खतरा, विपक्ष को और मजबूत होने की सलाह दी। सुब्रमण्यन स्वामी ने लिखा, गोवा और कश्मीर को देखने के बाद मुझे लग रहा है अगर देश में अकेली बीजेपी रह गई तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। सुब्रमण्यन स्वामी ने कांग्रेस, टीएमसी और एनसीपी को दी सलाह, कहा इटालियंस और वंशवाद को भूलकर फिर एकजुट हो कांग्रेस, ममता बनर्जी बने कांग्रेस की नई अध्यक्ष। मराठा आरक्षण से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार, महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी, 2 हफ्ते में मांगा जवाब। चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी को याद आई अपनी गलतियां, टीएमसी विधायक से कहा जनता के बीच जाएं, माफी यात्रा निकालें। प्रधानमंत्री मोदी ने की बीजेपी की महिला सांसदों से मुलाकात, पीएम आवास पर नाश्ते का था निमंत्रण, महिला विकास योजनाओं पर की चर्चा। जनसंख्या कानून को लेकर सियासत तेज, जेडीयू विधायक ललन पासवान ने भी सख्त कानून बनाने की मांग की, कहा सभी के लिए एक जैसा कानून हो। भारत में तेजी से बढ़ती आबादी पर दुनिया के विशेषज्ञों ने जताई चिंता, कहा आबादी के लिए संसाधन जुटाना होगा मुश्किल। 2027 तक भारत की आबादी चीन से ज्यादा होगी, अगले 15 साल में बढ़ती आबादी को संसाधन मुहैया कराने के लिए तेजी से विकास करना होगा। आंध्र प्रदेश विधानसभा में हंगामा, टीडीपी ने दिया विशेषाधिकार प्रस्ताव, मुख्यमंत्री पर किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज के बारे में गलत जानकारी देने का आरोप। निकाह, हलाला और बहुविवाह पर पुरानी याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाएं लंबित हैं। याचिकाकर्ता महिलाओं का दावा, जब तक प्रस्तावित कानून में निकाह, हलाला, बहुविवाह और बच्चों के संरक्षण का मुद्दा शामिल नहीं, मकसद पूरा नहीं होगा। अभी जेल में ही रहेगा, अपनी ही शिष्याओं के साथ रेप का आरोपी आसाराम, जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए एनकाउंटर में 5 लाख का इनामी हार्ड को नक्सली ढेर, हथियार बरामद, सुकमा के पुलिस कैंप पर नक्सल हमले का अलर्ट, जवानों को नाइट फायरिंग प्रैक्टिस के निर्देश। ग्वालियर में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर आई सामने, ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी करने वाले के शव को घसीटकर हटाया गया, मूक दर्शक बने पुलिस वाले, बनाते रहे वीडियो। मुंबई के मेनहोल में गिरे मासूम दिव्यांश का अभी तक सुराग नहीं, बुधवार को 1.5 साल का बच्चा देर रात नाले में गिर गया था, सीसीटीवी में दिखा, बीएमसी की लापरवाही का सबूत। मानसून में भी दिल्ली से दूर बारिश, पारा फिर पहुंचा 40 के करीब, उमस और गर्मी से जनता परेशान। चेन्नई में पानी की किल्लत, वेल्लोर से ट्रेन से लाया जा रहा है पानी, अब ट्रेन बुझाएगी चेन्नई वासियों की प्यास। असम में करीब 3 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में, 3 लोगों की मौत, बचाव कार्य में उतरी सेना, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा।
असम में करीब 3 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में, 3 लोगों की मौत। बचाव कार्य में उतरी सेना, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा। सिक्किम दार्जिलिंग नेशनल हाईवे पर तेज बारिश और लैंडस्लाइड से लगा जाम, गाड़ियों की लंबी कतार। झारखंड के गिरिडीह में बाढ़ के पानी में फंसा ट्रैक्टर, बाल बाल बची ड्राइवर की जान। पटना में लगातार हो रही बारिश से शहर के कई इलाकों में भरा पानी, विपक्ष ने राज्य सरकार के कामकाज के तरीकों पर उठाए सवाल। खबरों में बने रहने का हुनर जानते हैं लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप। अब सोशल मीडिया पर पोस्ट किया नया वीडियो, नए लुक में तेज प्रताप का फिल्मी कैरेक्टर। बिहार के कानून व्यवस्था पर बोले कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा, कहा राज्य को पूर्णकालिक गृह मंत्री की जरूरत है, नीतीश कुमार से संभल नहीं रहे हालात। आरजेडी ने भी कानून व्यवस्था के मसले पर नीतीश कुमार को घेरा, आरजेडी विधायक भोला यादव ने कहा बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त, कोर्ट कैंपस में हत्या हो रही है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का नीतीश कुमार पर निशाना, कहा बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने नीतीश सरकार का बचाव किया, कहा कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सीएम और डीजीपी खुद समीक्षा कर रहे हैं। बिहार के मुंगेर में यूट्यूब पर लड़की का वीडियो अपलोड करने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार, विरोध करने पर आरोपियों ने लड़की के परिवार वालों से मारपीट भी की थी। यूपी के हमीरपुर में सीएम पोर्टल पर शिकायत करना पुलिस को पड़ा महंगा, बदमाशों ने घर में घुसकर पीटा और बाल काटे। यूपी के उन्नाव में जय श्री राम न बोलने पर मदरसे के छात्रों की पिटाई के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने प्रिंसिपल की शिकायत पर 4 युवकों के खिलाफ दर्ज किया है केस। गौतम बुद्ध नगर पुलिस की बड़ी लापरवाही, पकड़े गए 12 विदेशी नागरिक, डिटेंशन सेंटर से हुए फरार, ऑपरेशन क्लीन 10 के दौरान पकड़े गए थे विदेशी नागरिक। यमुना एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा में खामियों को लेकर जेपी इंफ्राटेक्स से खफा, सीएम योगी बोले टोल टैक्स वसूलते हैं तो सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी, आईआईटी के सुझावों पर करें अमल। यूपी के कानपुर में कार की सीट बेल्ट न लगाने पर चालान करना पुलिस को पड़ा महंगा, चालान की रकम मांगने पर कार से बाहर निकली महिलाएं निकली किन्नर, जमकर पीटी तालियां और पुलिस इंस्पेक्टर को दी बद्दुआएं। प्रयागराज के कांदी गांव में बने अस्थाई गौशाला में बद इंतजामी, 35 से अधिक गायों की मौत, मृत गायों को गड्ढे में धकेलकर पाटने और जिंदा गायों की इलाज के बजाय उन पर चादर डालने की आई तस्वीर, डीएम ने मौत की वजह बताई आकाशीय बिजली। कानपुर देहात के मंगलपुर थाने के एसओ तुलसीराम पांडे की अनोखी विदाई, खाकी वर्दी में रथ पर सवार, बैंड बाजे के साथ धूमधाम से ग्रामीणों ने दी विदाई। गाजियाबाद में 21 साल की लड़की का शव मिलने से हड़कंप, शव का चेहरा बुरी तरह से घायल होने से नहीं हो पा रही शिनाख्त, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बागेश्वर में एक पूर्व फौजी से ठगी, ज्यादा रकम पाने के लालच में फौजी ने चिटफंड कंपनी में जमा करवाए 1,77,000 रुपए, कंपनी गायब, फौजी ने पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार। महाराष्ट्र के शिरडी के साईं बाबा मंदिर के द्वारका माई मंदिर में साईं बाबा के चेहरे की धुंधली तस्वीर दिखने का भक्तों का दावा, सोशल मीडिया पर फैली खबर, बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। दिल्ली में राजघाट पर स्थित गांधी दर्शन पर बनाया जाएगा राष्ट्रीय स्वच्छता स्मारक, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने चुनी गई जमीन का मुआयना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी राष्ट्रीय स्वच्छता स्मारक बनाने की घोषणा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष के मौके पर 2 अक्टूबर को होंगे खास कार्यक्रम। वाइस एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने रफाल में भरी उड़ान, कहा ये बहुत अच्छा अनुभव था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में झुग्गियों में रहने वाले दुर्गादास ने देश का नाम रोशन किया है। मलेशिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एशियन कराटे चैंपियनशिप में दुर्गादास ने जीता कांस्य पदक।